हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया में। फ्रेंड, आप सभी का रिजल्ट आ चुका है। पार्ट थ्री का जो बीए का स्टूडेंट लोग का रिजल्ट अभी नहीं आया था, आपका बीकॉम और बीएससी का रिजल्ट आ चुका था। बीएससी कुछ दिन पहले 3 रोज हुआ रिजल्ट आया, और उसके बाद आपका बीए का आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है दोपहर में। तो आपको कैसे चेक करना है स्टेप बाई स्टेप, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जल्दी से रिजल्ट देखते हैं कैसे देखना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोलना है, या आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है आपको मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट आपको आना है, जैसे कि यहाँ पे हम आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपका इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये में डाल देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट इस यहाँ पर आ सकते हैं बिना सर्च किए हुए लिंक को सर्च करके। उसके बाद नीचे आने के बाद ये आपका नोटिस है, नोटिस। तो फ्रेंड आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद नीचे आइएगा, आपको यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रिजल्ट और एडमिट कार्ड के बारे में दिखाएगा। तो आपको रिजल्ट देखना है, आपको ऑनलाइन रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक कर कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पर दिखाई देगा कोर्स नेम और रोल नंबर डालने का। तो आपको सिलेक्ट पहले कोर्स कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बीए पार्ट थ्री यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको बीए पार्ट थ्री को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना रोल नंबर यहाँ डालना है। फ्रेंड हम यहाँ रोल नंबर डाल चुके हैं, आप देखिए यहाँ पे सर्च रिजल्ट पर डाल क्लिक करना है। उसके बाद जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे फाइल खुल चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में कि बीए पार्ट ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का है, आप देख सकते हैं। तो ये आर्ट्स का रिजल्ट है, आपको फेक नहीं है, आप राष्ट्र आर्ट्स का रिजल्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरा दिखा रहा है। आप जल्दी से अपना रिजल्ट चेक करें, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें कि उनको भी जानकारी मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।